विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करता अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। आज हमारे तेलंगाना का चुनाव चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। ये पूरे बीआरएस पार्टी में जब इलेक्शन का आदेश करे, जब से पूरी पार्टी कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, एमआईएम पार्टी से हो, सब पार्टी में मिलने को ऐसे पूरे नौजवान बच्चे, हमारे बीआरएस पार्टी बहुत अच्छा पार्टी है। हम लोग बहुत अच्छा यहाँ तेलंगाना में आने के बाद बहुत अच्छा अपन भाई बंदी के सर के बिजनेस हो, कुछ हमारे कोई तकलीफ नहीं है बोल के बहुत जने खुश हो। कर्नाटक के भाई यहाँ भी बोल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है हमारे। आज हमारे श्री राम रेड्डी भाई, दत्तू भाई लोग पूरा कम से कम 500-600 आदमियों को ला के पार्टी में मिला है, बहुत खुशी की बात है। मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ पब्लिक को भी, जब तेलंगाना नहीं आया सो कहता था, तेलंगाना आने के बाद कैसे हुआ? तेलंगाना आने के बाद अपने मुख्यमंत्री साहब ने पब्लिक का सेवा करते, पब्लिक को डेवलप करना, बिजनेस में डेवलप करना, हर उसमें डेवलप करना बोल के अपने मुख्यमंत्री साहब बोले। वही हम लोग मेरे भी 3 बार जीता है पब्लिक, 3 बार भी मैं पब्लिक में रह के डेवलपमेंट में करके आगे हूँ। उस वजह से मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ पब्लिक को, 30 तारीख के दिन कार को निशान को वोट देके अच्छी मेजॉरिटी से जिताना बोल के बोल रहा हूँ। वो लोग भी वादा करे, पूरे नौजवान बच्चे आप देखे, आप नौजवान बच्चे पूरे एक ही बोल रहे हैं, हम बीआरएस पार्टी को अच्छा जिता करना, हम डेवलप कर लेंगे। हमारे क्या क्या तकलीफ, हमारे भी कुछ गवर्नमेंट आने के बाद गवर्नमेंट से कुछ स्कीम आए तो हमारे को दिला बोल के बहुत खुशी की बात है। गवर्नमेंट आने के बाद जो भी स्कीम सीएम साहब ने लगाए वो पूरे स्कीम गरीबों के लिए हम साथ करके दिलाएंगे। डबल बेडरूम वो भी हम दिलाने का कोशिश करेंगे। अब तो इलेक्शन को हम नहीं कर सकते, इलेक्शन के बाद जो भी आएंगे तो इलेक्शन के बाद करेंगे। पूरे नौजवान बच्चे जो पार्टी में मिले, अब जैसा मिले 30 तारीख तक वही काम करके पार्टी को अच्छा नाम लाना, आप लोगों में अच्छा नाम लेके मेरे को अच्छी मेजॉरिटी से जीताना बोल के बोल। थैंक यू।